एक दशक से भी अधिक समय से अनुज धरसर सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के आसपास के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। खुद को समर्पित कर दिया है। उनके द्वारा लिखी गई 2012 में बेस्ट सेलिंग किताब इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, जो बोस फाइलों की सार्वजनिक करने की मांग पर जन्म लिया था। और अनुज धरसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, ट्रस्टी फाउंडर भी हैं, जिसका नाम है मिशन नेताजी। वो एनजीओ जो नेताजी से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की अभियान चला रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बहुत कम कहा आपके बारे में। ओडिशा टूर में पहली बार आ पाए हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो 20-22 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा सन 2000 से शुरू हुआ था करके, और उसके होने के बावजूद ये पहली बार मौका लगा। तो खुशी भी है, थोड़ा गम भी है कि ये पहले होना चाहिए था। लेकिन और पहली बार मैं उड़ीसा में कल ही पहुँचा। कल मैं भुवनेश्वर में लैंड किया था, वहाँ पे फिर कटक में आया। तो आते ही अब नेताजी जन्म स्थान है वहाँ पर, कल पहले वही देखा मैंने, उसके बाद फिर तो बड़ी खुशी की बात है। नेताजी का हम लोग इतने साल से लगे हुए करने और उनके जन्म स्थान में कभी नहीं गए, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है। लेकिन ये हल्का सा दिल में रंजिश है कि ये इसको 22 साल क्यों लग गए करते। ये बात बिल्कुल है, भले ही 22 साल लगे, लेकिन कैसा रहा? मतलब अच्छा लगा बहुत हमारे लिए। तो हमारे लिए सब पूरे देशवासियों के लिए कटक में आना जरूरी है, सिर्फ मेरी बात नहीं है, सारे देशवासियों को। पूरी दुनिया साबरमती आश्रम देखने जाती है, तो फिर जी सुभाष बोस का देखना जरूरी है यहाँ पे आके। नेताजी का यहाँ पे जन्म स्थान है, यहाँ पे म्यूजियम है, बाकी चीज़ें, और खासकर हम जैसे लोग जो नेताजी पे ही उनपे रिसर्च वगैरह पे, हमारा को तो बहुत पहले रहना चाहिए था। जी ये तो बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेताजी के जो ग्रैंड स्टैचू, अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इंस्टॉल किया गया, तो ये कितना बड़ा इवेंट है आपके लिए? इवेंट बहुत बड़ा है हमारे लिए। इतने बड़ा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो HV कामत नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर ऑफ असेंबली, जो बाद में हमारी पार्लियामेंट बच गई, और वो नेताजी के बाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ICS को छोड़ा और देश की फ्रीडम स्ट्रगल में वो आ गए। और HV कामत सुभाष बोस के साथ में थे, और आप ये कह सकते हैं कि HV कामत ने ही ये आवाज़ उठाई थी, जिस आवाज़ को लेकर के बहुत लोग अलग अलग समय पे, एक समय पे हमारे समर गुहा जी थे बंगाल के MP, और अब हम लोग हैं करके। तो बेसिकली हमारी जो, हम जो आज के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी दो डिमांड्स हैं, और हमारी डिमांड नंबर एक ये है कि नेताजी की भूमिका हमारे देश को आज़ाद कराने में नंबर वन थी। हमारा देश अहिंसा से आज़ाद नहीं हुआ, हमारे देश को सुभाष बोस ने आज़ादी दिलाई है, तो हम चाहते हैं कि ये सरकार इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करे, नंबर एक। नंबर दो, हम नेताजी की जो मृत्यु का रहस्य है उसको हम सेटल करना चाहते हैं। तो जो पहला वाला जो एजेंडा है कि नेताजी का जो स्थान है उनको मिले, उस वो जो प्रयत्न हो रहे हैं उसके अंदर ये नेताजी को सबसे बढ़िया, मतलब आप कह सकते हैं कि इससे बड़ा उनको रिस्पेक्ट सम्मान पूरे अभी तक नहीं मिला 47 के बाद से। सन 47 में HV कामत ने डिमांड किया था कि नेताजी का फ़ोटो असेंबली में लगे, असेंबली जो बाद में जाके हमारी पार्लियामेंट बनी है सन 50 में, तो सरकार ने मना कर दिया, और वो करते 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 जाके वो सन 1978 में जाके लगा। तो आप खोज सकते हैं कि खुद की ऑलमोस्ट 30 साल लग गए इस देश, इस मना करने के पीछे वजह कुछ नहीं है, वो अपना, उनको अपना ब्रांड चलाना है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। उनको महात्मा गांधी का नाम प्रमोट करना था, तो उन्होंने सुभाष बोस का नाम प्रमोट नहीं किया। नेताजी को पसंद नहीं करते थे कांग्रेस के लोग, वो सारी बातें थी। तो आप ये हिसाब लगा लीजिए कि 30 साल लग गए उनको पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंट में जैसे हिंदी में कहते हैं कि एरे गेरे नथु खैरो की फोटो लग गई, लेकिन सुभाष बोस की नहीं लगी। जाके 1978 में हमारे लिए बहुत बड़े होंगे, हमारे से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन अगर उनकी तुलना आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस से करेंगे तो वो एरे गेरे नथु खैरे थे। उनकी फोटोग्राफ्स वहाँ लग रही है, उनकी पार्लियामेंट में उनकी उनके उनके लग रहे हैं, चित्र लग रहे हैं, सुभाष बोस का लगा नहीं, जाके 78 में जाके लगा। अब उसी में हिसाब आता है कि हमें ये बहुत बड़ी बात है कि नेताजी की मूर्ति लगना भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रोड, जहाँ पर हमारी गणतंत्र दिवस की परेड होती है, सारा देश जाता है, दिल्ली का पूरा इंडिया गेट वहाँ पर है, पूरा बहुत बड़ा, मतलब भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, वहाँ नेताजी की मूर्ति का लगना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो पहला, जो मैंने आपको बताया कि पहला जो हमारा एम है हमारी पूरी स्ट्रगल का, कि सरकार ऑफिशियली तौर पे एक्सेप्ट करे कि नेताजी का योगदान भारत की आज़ादी में नंबर वन था, तो उस जो मुहिम में ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मील का पत्थर है। हमारे उस मुहिम में इस मूर्ति के लगने से बहुत हमको मदद मिलने वाली है। अच्छा, तो अभी मतलब उड़ीसा में भी ऐसा कुछ माहौल बन रहा है कि बहुत बड़ा स्टैचू अभी उड़ीसा में भी इंस्टॉल करने वाला है, तो मतलब क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मुझे अगर आप मुझे बता रहे हैं कि कोई लगा रहे तो बहुत खुशी की बात है, हम तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इस कैंपेन चल रहा है, मुझे पता नहीं कैंपेन नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई ऐसा कैंपेन है कि उड़ीसा में लगना चाहिए, नेताजी का होम स्टेट है, यहीं वो पैदा हुए थे, और अगर यहाँ पे उनका लगता तो बहुत खुशी की बात है, मैं सपोर्ट करूँगा। एक बात मैं बस आपसे जानना चाहूँगा, 22 साल से आप एक अकेले, मतलब भारत में आप अकेले हैं,
22 साल से आप इस कैंपेन में हैं? नहीं, अकेला वो तो अकेला नहीं है, मतलब मेरे साथ में बहुत बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं अकेला नहीं है। शुरुआत की थी लेकिन हमारे साथ में, हाँ शुरुआत कही थी लेकिन और भी लोग साथ में, और मुझसे पहले भी लोगों ने किया। हम ठीक है, हमारे अपना तरीका करने का, बाकी लोग करते हैं लेकिन फुल टाइम कैंपेन। हाँ मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन और लोग भी किया। मतलब देखिए इतना बड़ा चेंज लाना एक एक इकलौते व्यक्ति के बस में नहीं है, तो हम लोग इसके लिए आपने जॉब छोड़े हैं उसके लिए? देखिए मैं अपनी प्राइवेट बातें ज़्यादा करता नहीं, उसका फ़र्क भी मैं चाहता हूँ कि जो मुद्दे की बात की जाए, मैंने क्या किया वो ना किया वो, फिर अपने मुंह से अपनी बात मैं नहीं करना चाहता कि मैंने क्या किया। नहीं मैं इसलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि आपने अपने जॉब छोड़े हैं अपने परिवार। देखिए ऐसा होता कि वो मैंने कोई ऐसा फैसला लेके नहीं किया था, ये अपने आप सरकमस्टेंसेज होती हैं। मैंने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं की थी 22 साल पहले कि मैं अब जॉब छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं इस काम में मैं आया और करते 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 मेरे साथ में ये हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने जानबूझ के करा, लेकिन ठीक है मेरे से मेरे ऊपर वाला कुछ काम करवाना चाहता था, तो अगर कल को ये काम में अभी हमें थोड़ी सक्सेस मिली है, मान लीजिए आने वाले 5-10 साल के अंदर हमको पूरी सक्सेस मिल जाती है, तो मैं ये मान कर चलूँ कि ऊपर वाले ने हमारे सिर पर काम डाल दिया। और तो मैं कुछ इसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है ना कि मेरे जैसा नॉर्मल आदमी पे क्यों इतना बड़ा काम डाल दिया ऊपर वाले। ये जो मुहिम लेके आप चल रहे हैं इसके चलते सोशल मीडिया में और एक भी कैंपेन चल रहा है कि यू आर डिजर्व फॉर पद्मश्री अवार्ड। नहीं नहीं, आई थिंक वो मजाक, मैं कुछ नहीं था मजाक, मैं उसको मजाक समझता हूँ। मेरा मानना है कि अभी हमारा उसको बाद में, हाँ मेरा अभी मानना ये कि अभी जो हम जो हमारा काम चल रहा है अभी वो उस पर रहे, हमारा काम जो इम्पोर्टेंट है कि जो जो मुद्दे हम लोगों ने रेज किए हैं हम दो मुद्दों पर अपना अपना काम करते रहेंगे। जिस दिन सरकार ये हमारी ये दो बातें मान लेती है, हमारा ये दो सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद खुद जनता इनाम दे देगी मेरे को, फिर चिंता मुझे पद्मश्री की नहीं होगी। एक और एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था, तो वहाँ पे आप बोल रहे थे कि उस समय लगभग उम्र होगी 55 साल, वो आए थे भारत में, कोई कह रहा था कि वो चाइना से आए हैं, कोई कह रहा था कि वो नेपाल के रास्ते से आए हैं, और एक कपड़ा ढक के वो रहते थे जिससे बात करते थे। देखिए ये जो आप बात कर रहे हो नेताजी को रहस्य, नेताजी को जब निकले थे तो नेताजी को क्या हुआ इसको लेकर के इस देश में, स्टोरी क्या है? नहीं ये स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, वो आज शाम को मैं यहाँ पे अपना जो मेरा लेक्चर अभी होने वाला है थोड़ी देर बाद में उसकी मैं उससे बातचीत करूँगा उसकी। और यही बात मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ अपने लेक्चर्स वगैरह, जैसे अभी मेरा मित्र और मैं हम लोग IIT कानपुर में थे, फिर मैं अभी इससे पहले लखनऊ में गया था करके, तो ये हम लोग करते हैं करके। होता क्या कि पिछले 10-20-30 सालों के अंदर नेताजी को लेकर के बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो पहले लोगों के पास में नहीं थी, और वो इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ हम लोगों ने निकाल भी ली है, फाइलें भी हम लोगों ने पब्लिक करवा दी, डिक्लेयर करवा दी, और भी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि 90 के दशक में आज से 10-20-30 साल पहले जो लोगों को नॉलेज थी कि नेताजी का जो मृत्यु का रहस्य है उसके बारे में, आज वो नॉलेज हमारी बहुत ज़्यादा उससे, तो हम बिल्कुल क्लियरली इस बात को बोल सकते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि साहब नेताजी को क्या हुआ था, तो उसमें एक थ्योरी आती है सरकारी कि प्लेन क्रैश मारे थे। हमारा मानना है वो थ्योरी गलत है। उसके बाद में दो अलग अलग थ्योरियाँ और निकल के आती हैं। एक थ्योरी है कि साहब नेताजी का रूस में थे वो और उनको वहाँ मार दिया गया, और लोग पंडित जी को उसके लिए ब्लेम ठोकते हैं और कहते हैं कि स्टालिन ने उनके कहने पे उनको मरवा दिया। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि नहीं वो रूस में नहीं मरे थे, वो भारत में थे और साधु वेश में यहाँ पे थे, और जो आप बोल रहे हैं कि वही कहानी साधु वेश में यहाँ भारत में आए और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह में रहे, उनके मरने के बाद उनका नाम गुमनामी बाबा नाम से मशहूर हो गए। तो ये दो थ्योरी है, तो उसके मूवी बनी, बहुत कुछ हुआ, और हमारी जो रिसर्च मैंने की है मेरे दोस्तों ने करी है बाद में, उसको हमने क्रॉस चेक वेरीफाई किया, हम प्लेन क्रैश की थ्योरी को पोस्ट करते हैं। रशिया में मार दिया ये थ्योरी को पोस्ट करते हैं, और हमारे हिसाब से ये जो तीसरा जो थ्योरी है जिसको सो कॉल्ड गुमनामी बाबा की जो बात कर रहे हैं, मैं उस थ्योरी को सपोर्ट करता हूँ। इसमें जो भगवान जी का जो थ्योरी है ये फिर क्या है? ये भगवान जी गुमनामी बाबा का स्टोरी वही है कि उन्होंने रशिया में उन्होंने अजैलम मांगा था, उनको अजैलम मिल गया, उसके बाद वो 50 के दशक के शुरुआत के में भारत आ गए, यहाँ पर थे लेकिन बीच बीच में निकल जाया करते थे, इसलिए उन्होंने यूपी का इलाका चुना क्योंकि वहाँ पर उनको शायद और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको उसको एक दो लाइन में समझाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे सर्कमस्टेंसेस थी कि वो बाहर निकल नहीं सके। और जो जगह चुने आप बोल रहे थे लखनऊ की जो जगह फैजाबाद की जो जगह, हाँ ये सारा इलाका नेपाल बॉर्डर से बहुत पास में है, क्योंकि वो जहाँ भी थे वो बाहर निकल के जाया करते थे। तो नेपाल का क्यों लिंक कर रहे हैं? नेपाल की भारत से निकलने का रास्ता और क्या है? बाहर से निकलने का रास्ता कि नेपाल का बॉर्डर आज के दिन भी खुला बॉर्डर है,
मैं आज की बात करूँ, आज के दिन भी नेपाल और भारत के बीच में आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता है। आज के दिन भी बॉर्डर खुला हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ से 30-40-50 साल पहले या उससे पहले की, तो वहाँ से उनको निकल के जाना, क्योंकि वो बोलते कि मैं यहाँ पर तो हूँ लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ता है कई कामों से, तो बार बार वो रूस जाया करते थे वहीं से निकल करके, तो वहीं से उनका आना हुआ, वहीं से जाना हुआ कर कैसे, तो इसलिए उन्होंने वो इस इलाके को चुना। बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री भी आते थे मिलने के लिए? अब वो खबरें हमको लग रही कि वहाँ पे कम से कम संपूर्णानंद जी जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 1954 के बाद से, और जिनकी नेताजी से बातचीत थी वो नेताजी को बहुत पहले से जाना करते थे, वो आते थे। उसके अलावा और भी हमको 3-4 और मुख्यमंत्रियों का जिक्र मिल रहा है, चौधरी चरण सिंह हो गए, बनारसी दास हो गए, कमलापति त्रिपाठी हो गए, इन सबके नाम उसमें आ रहे हैं कि वो उनसे हमें, तो हमारा मानने की हाँ वो थे वहाँ पे। और लोग नेताजी परिवार के लोग जो हैं, नेताजी परिवार का मतलब क्या है आपका? मतलब नेताजी का परिवार का मतलब ये लोग जो अभी बैठे हुए ये परिवार है, जो पहले चले गए परिवार नहीं था क्या? क्या नेता जैसे अभी लोगों ने एक स्टोरी फ्लोट कर दी कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये प्रोग्राम कराया दिल्ली में तो नेताजी का परिवार नहीं आया, तो नेताजी के परिवार में किनको काउंट कर रहे हैं? एक हमारे नेताजी के परिवार के उनके ग्रैंड नेफ्यू जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं वो, एक दूसरा उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो सपोर्ट करने वाले, तो नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू को अगर परिवार बताते हैं, जो नेताजी का भतीजा अर्धेंदु बोस वहाँ आया था, तो वो नेताजी का परिवार नहीं है क्या? नेताजी का परिवार का मतलब सिर्फ वही लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में होते हैं, नेताजी के परिवार का मतलब वही लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन में चलते हैं, तो नेताजी का परिवार था। और आप जो बात कर रहे हैं कि नेताजी के, मैं आपको आज बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि खोसला कमीशन के सामने आपको पता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने अलग अलग पार्टीज़ आती हैं, और वो पार्टीज़ जो होती हैं अपने वकील के थ्रू बोलती हैं, और आप ये बात समझ सकते हैं कि किसी कमीशन और कोर्ट के सामने बोलना अलग बात है और मीडिया में बाइट देना और बात है। आजकल जो परिवार के लोग हैं वो मीडिया बाइट देने में मास्टर हैं, लेकिन मैं एक रिसर्चर के तौर पर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मैं देखूँ कोर्ट कचहरी और कमीशन के सामने क्या हुआ। तो कमीशन के सामने जो नेताजी के परिवार का जो वकील है, नेताजी के परिवार का वकील जो बंगाल का फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रह चुका था, उसने नेताजी के परिवार पे फॉर्मली ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 73 में कि सुभाष बोस जीवित हैं, 73 में हाँ जीवित हैं। आजकल ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं इनको, इनके बात छोड़िए, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जब इनके इन सबके पिता माता पिता सब जीवित थे तो उनको नहीं मालूम था। और उनके श्रीमान परिवार, नेताजी के परिवार का वकील अगर सब कमीशन के सामने ये बोल रहा है ओपनली कि वो भारत में हैं, जीवित हैं ये बात बोला, भारत का तो मुझे पता नहीं लेकिन जीवित का बताया उन्होंने, और लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, तो ये दोस्तों तो मैं उसकी बात क्यों ना मानूं फिर। एक बात बस ओडिशा के लोग आपसे जानना चाहेंगे, जब वो फैजाबाद में थे तो पुरी में रहने का, पुरी में रहने का उनका प्लान बीच में, जब देखिए वो एक जगह पर नहीं थे, वो फैजाबाद में नहीं थे सिर्फ, वो अलग अलग जगहों पर थे, और वो इतना लोग उन पर अट्रैक्ट होते थे करके, तो जहाँ लोगों को शक हुआ कि ये कौन है तो वो जगह बदलते थे, तो उन्होंने काफ़ी, उन्होंने 10-12 जगह कम से कम बदली हैं। तो पहली बात तो सिर्फ फैजाबाद में नहीं थे, वो बहुत जगह पे थे, आखिर में वो फैजाबाद में, अयोध्या में थे पहले 10 साल, आजकल अयोध्या फैजाबाद एक हो गया, अदरवाइज फैजाबाद अयोध्या में वही फ़र्क है जो भुवनेश्वर में कटक में है, तो अब ट्विन सिटीज़ हैं, तो वो अयोध्या में 10 साल थे, उसके बाद में वो फैजाबाद में आके भवन की डेथ हुई है। तो वो बीच में उनका था, हमने अपनी किताब में लगाया भी है कि बीच में प्लान था कि उनको यहाँ कहीं शिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे मुझे लोग पहचान जाएंगे तो यहाँ मैं नहीं आ सकता, यहाँ पकड़ना, शायद यूपी में पकड़ना लोगों का आसान नहीं था, लोग पहचानेंगे नहीं, लेकिन यहाँ वो कैसे आ जाएंगे। तो उनका बीच में लोगों ने प्रपोज किया था कि आपको हम पूरी में मकान लेके यहाँ बैठाते हैं, उन्होंने मना कर दी कि यहाँ मुझे लोग पहचान लेंगे, मेरे को, मैं नहीं आ सकता। तो नैनवा एक तरीके से अवॉइड किए थे, बेसिकली वो आदमी छुपके रह रहा था किसी कारणों से, तो अगर वो छुपके रह रहा तो उसको लगता था कि छुपने के लिए वो यूपी का वो इलाका ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगर उनको यहाँ लेके आते हैं या बंगाल में लेके जाएंगे तो पकड़ देंगे लोग उनको, किसने चिट्ठी भी लिखी थी कि बंगाल में शिफ्ट कर देंगे, अरे बंगाल में तो आप रहोगे तो पकड़ लेगा आदमी आपको, पहचान जाएगा, तो वही बात पूरी में आती है कि पूरी में बैठाएंगे लोग पहचान जाएंगे उनको, यहाँ पर शायद वो पहचानना, पहचान तो लोगों ने यूपी में मिला हमको, लेकिन शायद वहाँ का थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी थी वहाँ के पास, वहाँ के लोगों का ये मानना था कि वो भी साधारण लोग नहीं थे, मतलब वो बाकी देश में राजनीतिक अभी क्या क्या हलचल है वो भी बता देते थे, वहाँ का मौसम के बारे में भी उनको जानकारी। हाँ तो वही है ना कि अगर वो नेताजी थे तो ऑब्वियसली वो साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते ना, वो असाधारण व्यक्ति होंगे, तो वही जो लोग उनके कांटेक्ट में वहाँ पर उनके टच में आए, उनसे बातचीत करी, वो सारे बोल रहे हैं कि वो तो बहुत असाधारण किस्म के व्यक्ति थे। और नेताजी जब यहाँ कटक में थे, आपको पता है कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते उनको अध्यात्म की बहुत उनको उनमें रुचि आ गई थी, यहीं पे बैठ के, बीनी माधव दास उनके टीचर थे और करके यहीं से उनका जीवन का लक्ष्य बदलना शुरू हो गया था। तो ये सभी को पता है कि नेताजी बहुत आध्यात्मिक थे और धार्मिक विचारधारा के थे, तो जब ये इस फेज़ में आते हैं, जब वो भगवान जी या गुमनामी बाबा की फेज़ में आते हैं, तो उनका आध्यात्मिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है,
तो वो जिस लेवल पर चले गए उस लेवल की बात करना आपके मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग तो साधु महात्मा नहीं है, लेकिन साधु महात्माओं के पास में कुछ अपनी शक्तियाँ होती हैं जिसको दुनिया मानती है, इसलिए लोग साधु महात्माओं के पीछे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये आदमी जो भी था वो बहुत मतलब मेरे सबसे सुभाष बोस थे, लेकिन वो आध्यात्मिक तौर पर बहुत ऊपर तक चले गए थे, और इसलिए जो जो व्यक्ति उनके संबंध उनसे कॉन्टैक्ट में आया है वो सारे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके हिसाब से उनमें चमत्कारी शक्तियाँ थी और सब कुछ ऐसे करके बात होती। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, प्रेसिडेंटल इलेक्शन 1939 तो सुभाष चंद्र बोस को सुन मिला था 44 वोट्स, और उनके जो गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पटवाई सीतारामन तो उनको मिला था 99 वोट्स। कहाँ पे, कहाँ पे? मैं प्रेसिडेंटल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये वोट कहाँ मिला? ओवरऑल तो नेताजी को वोट मिले थे, लेकिन ये किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं आप, तो ये मेरे ख्याल से उड़ीसा में, उड़ीसा में कम वोट मिले थे आप ये बोल सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब उड़ीसा में गांधी भक्त ज़्यादा है उस टाइम से, इसका मतलब ये निकलता है। अगर गांधी जी के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और नेताजी को वोट कम मिल रहे हैं, इसका सीधा सपाट मतलब है कि उड़ीसा में गांधी भक्तों की भरमार है। तो उस समय गांधी भक्तों की भरमार ज़्यादा था या इस समय? अब अभी ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अभी आके जो देख रहा हूँ आपके हालात यहाँ पर जिस तरह के हैं, और जैसे मैंने इवन नेताजी के म्यूज़ियम के अंदर गांधी की फ़ोटो लगा रखी है, जब हम गांधी जी के म्यूज़ियम में जाते हैं वहाँ तो फोटो सुभाष बोस की नहीं लगती, यहाँ की लगा रखी आप लोगों ने, तो यहाँ थोड़े गांधी भक्ति मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपकी बात सुन के कुछ लोग नाराज हो जाए? नहीं, नाराज तो देखिए नाराज की बात की, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, क्या करूँ, लोग तो नाराज होते हैं हर जगह में। हम तो फिर नेताजी की बात करेंगे ना, मैं नेताजी की बात करूँगा तो गांधी भक्ति की बात ना करूँगा। अब जो गांधी भक्ति की बात, अब चक्कर है कि आप नेताजी का नाम इस्तेमाल करके गांधी भक्ति करना, वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हो रहा है ना करके, नेताजी के जन्म स्थान का जो उद्घाटन हो रहा है वो 2 अक्टूबर को हो रहा है। अब 2 अक्टूबर की इंपॉर्टेंस क्या सुभाष बोस की लाइफ में, 2 अक्टूबर की क्या इंपॉर्टेंस? नेताजी 2 अक्टूबर को पैदा हुए नहीं थे, गांधी जी पैदा हुए थे, तो गांधी जी के जन्मदिवस नेताजी के भवन को उद्घाटन करने का मतलब क्या, और महात्मा गांधी की इतनी बड़ी फोटो लगाने की मतलब क्या वहाँ पे? एक नहीं बहुत सारी। अब वही हाथ कलकत्ता में हम देख रहे हैं कि कलकत्ता एयरपोर्ट में महात्मा गांधी की गैलरी लगा दी फोटोग्राफ की उन्होंने, कलकत्ता एयरपोर्ट जो नेताजी के नाम पर है वो नेताजी की गैलरी लगनी चाहिए। राष्ट्रपिता है इसलिए लगाएंगे? नहीं, राष्ट्रपिता की बात नहीं है, राष्ट्रपिता है तो उसकी गैलरी कहीं और भी तो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ शिवाजी अपना टर्मिनल वहाँ पे मुंबई में, वहाँ लगा के दिखाओ, वहाँ लगा के दिखाइए, महात्मा गांधी गैलरी शिवाजी की मत लगाइए, फिर देखो आपको महाराष्ट्र के लोग बताएंगे आपको फिर क्या होता है। तो गांधी जी की तो हज़ारों जगह गैलरी है, हम ये नहीं कह रहे गांधी जी गैलरी वहाँ लगाओ, गांधी जी की गैलरी, गांधी जी के म्यूज़ियम बहुत सारे दिल्ली के अंदर बहुत जगह वहाँ पे है, लेकिन जो एयरपोर्ट ही सुभाष बोस के नाम पे वहाँ पे गांधी गैलरी लगाने का मतलब क्या, तो क्या उसका? एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो आप 22 साल से जो मुहिम लेकर चले हैं, अब काफ़ी सफलता भी मिली है, युवाओं मतलब आपको काफ़ी पसंद करते हैं, 4 मूवी बन चुके हैं, एक वेब सीरीज बन चुका है आपका मूवी जो है, आपका जो किताब है बेस्ट सेलिंग का उसको किताब मिला था, इंडिया बिगेस्ट कवर अप की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतने सारे जो सफलता आपको मिले कुछ कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस क्रिएट हुई, आप ये कह सकते हैं कि आज अवेयरनेस है कि आज मैं आया आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या लोग सुनने आ रहे हैं, तो अवेयरनेस क्रिएट हुई है। लेकिन लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि क्या हमारे अपने अपने एम में हम सक्सेस पाए, अभी नहीं पाए हैं, बहुत दूर है, लेकिन हाँ हमने एक के बाद एक काफ़ी हम लोगों ने हमारे मिशन में सक्सेस आई है, लेकिन पूरी सक्सेस नहीं आई, अभी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, और ये मूर्ति का लगना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमने और भी बहुत काम कराए हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि हमारे 2 बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव ये कि भारत की आज़ादी में नेताजी की भूमिका नंबर 1 थी, जिसको सारा देश जानता है, लेकिन ऑफिशियली उसको कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं करती कि सरकार जो है वो गांधी भक्ति करती है, तो वो हमको चेंज करवाना है। और दूसरा ये कि अपना हमको ये अपना कि नेताजी की मौत का जो रहस्य है उसमें हमको चाहिए क्लैरिटी, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, सरकार का स्टैंड से हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम चाहते हैं उसमें खुल्लम खुल्ला उस पर डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए। जी, आप तो ये चाह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला उस पर डिबेट हो, इसमें आलोचना हो, लेकिन ये इतने सारे जो सफलता आपको मिली है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कुछ चीज़ें पीछे छूट गया? नहीं, छूट गया, मैं कहना कि अभी हमारा जो एम था वो तो अभी पूरा नहीं हुआ ना, सरकार अभी भी हमारी बात को नहीं मानती, वो सरकार ठीक है ये काम कर रही है, मूर्ति लगा रही है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी सरकार का फोकस तो वही पुरानी वो गांधी भक्ति पर ही है, तो वो कहाँ काम को है, लेकिन जनता नहीं पसंद करती उसको, और हमारा वो चेंज कहाँ हुआ है? हमें अपनी सरकार के तौर से चाहिए कि भारत की आज़ादी में उनकी भूमिका नंबर 1 थी, ये हमको सरकार के से मनवाना है हमको। तो यहाँ की जब वर्तमान की जो सरकार है बीजेपी की, मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके ओर से कोई सपोर्ट मिला? मुझे देखो यहाँ उन लोगों ने बुलाया मुझे, अब ये तो देश का मुद्दा है, अब ये मुद्दा जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ये इसका स्टेट गवर्नमेंट में इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं बस इतना ही चाहूँगा कि मेरे को कुछ बीजेपी के लोग मिले हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये आपका नेताजी का जन्म स्थान है जी, आप में से कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं पार्लियामेंट में, और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे आप लोग सब लोग यहाँ से मिलके और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नेताजी की इन 2 बातों को लेकर के हमारी पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको पार्लियामेंट में और अलग फोरम्स में व्यक्त करें,
मैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना कि हमारे सेंटीमेंट्स ही हैं, हम लोग जनता जनार्दन है। मैं तो खैर उड़ीसा में वोट देता नहीं, तो मैं चाहूँगा कि जो उड़ीसा में जो लोग दे रहे हैं, जो यहाँ के वोट देते हैं, वो अपने अपने जनप्रतिनिधि को ये बात बोले कि भाई हम आप चाहते हैं कि आप नेताजी का नाम लें, नेताजी हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ का जन्म लिया, और मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोग उसकी बात करें। तो डेमोक्रेसी में हम सबका अधिकार है, मैं भारत का निवासी हूँ, मैं वही आपसे आपके थ्रू विनती करूँगा, हमारे जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे उड़ीसा से और मुख्यमंत्री जी से, कि आप हमारी जनता की फीलिंग को, आपकी खुद की फीलिंग जो भी है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी में आके में जनता की फीलिंग चलती है, तो हम लोग जनता हैं, हमारी फीलिंग ये है, हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस ये हैं, नेताजी का जन्म स्थान है, आपको ये बातें पब्लिक में बोलनी चाहिए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आज भी करूँगा इस बात, ये तो फैक्ट है। बस एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वही उड़ीसा के बाद मैं दोबारा दोहराऊंगा कि भगवान जी के थ्योरी को, लेकिन मतलब उड़ीसा में इतना मतलब सक्सेसफुल कैंपेन नहीं, अभी उसका कारण ये है कि इस पर कोई डिस्कशन डिबेट अभी नहीं हुआ है ना। जैसे मैं खुद पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आज पहली बार आया तो एक लेक्चर आगे और भी होंगे और बातें होंगी करके, थोड़ा सा ये भी कि हमारे जो मेरी किताबें हैं अंग्रेजी में हैं और मैं खुद अंग्रेजी हिंदी बोलता हूँ, लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है कि लैंग्वेज हमारी क्लियर नहीं है, शायद थोड़ा सा इशू भी है। तो अभी आज शुरुआत हुई है, तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी कम से कम शुरुआत तो हो गई, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि चलो लेट है लेकिन काम शुरू हुआ, थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस हो, थोड़ी बातचीत हो, थोड़ी सी डिस्कशन, इसीलिए बात करो कि डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि जब अगर अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस दिन डिस्कशन डिबेट हो गई, हमारे दोनों के दोनों पॉइंट हमें लोग सपोर्ट करेंगे। ये जितना मर्जी पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स चलवा लें, ये साबित नहीं कर सकते। अगर अगर एक फ्री फेयर डिबेट हो जाती है, भारत की आज़ादी में सुभाष बोस की भूमिका नंबर वन थी, अहिंसा से कोई अंग्रेज यहाँ से छोड़ के नहीं गए थे, और दूसरा ये कि सुभाष बोस की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, अगर ये खुली खुली डिबेट इस पर हो जाती है, सरकार करती है, हम जीतेंगे। इसलिए सरकार वो डिबेट नहीं करवा रही है, वो भी इतने कच्चे नहीं है, उनको पता है कि रियलिटी ये है, इसलिए अब अपना मुंह बंद रखो और डिस्कशन डिबेट मत करवाओ उसके ऊपर। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग वही कि खासकर अपने जो हमारे जहाँ नेताजी पैदा हुए थे उड़ीसा, और जहाँ वो रहे हैं नेता बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बाद बंगाल चले गए, और अब मेरा मानना है कि वो 30 साल तक यूपी में रहे हैं ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा समय अपने अपनी ज़िंदगी का उन्होंने बिताया है यूपी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ ये तीन स्टेट जो हैं, इनमें यूपी के लोग और अपने बंगाल के लोग और उड़ीसा के लोग, आप तीन लोगों से उम्मीदें ज़्यादा हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं चाहता हूँ कि पंजाब के लोग उठाएँ, पंजाब के लोग भी, देखिए मुद्दा नेताजी का सभी का, उसमें कोई आपका मेरा कोई फ़र्क नहीं है, हम सब बराबर है, लेकिन आप तीन स्टेट से उम्मीद ज़्यादा है कि क्योंकि आप लोग का जो संबंध उनके साथ में, हमारा नहीं है उनके साथ में डायरेक्टली, तो आप लोग तीनों यहाँ के स्टेट्स के लोग इस मुद्दे को उठाएँ, बातचीत करें। और इसको सोचने का तरीका और भी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग गलत हैं, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए कि आप कोई बोल सकता है कि ये जो बात कह रहा है गलत बात कह रहा है, नेताजी की मृत्यु तो हो गई है प्लेन क्रैश में और हम नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि अहिंसा से देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है आप डिस्कशन डिबेट कराइए, आपकी बात सच होगी तो लोग मान लेंगे। लेकिन वही बात है ना कि अहिंसा से अगर आज़ादी मिलने वाली होगी, तो मुझे एक एग्जांपल दे दो, 1947 के बाद में भारत सरकार ने क्यों नहीं गांधी जी का रास्ता फॉलो किया? आज हम बैठ के हैदराबाद के जीतने की आज एनिवर्सरी बन रही है, अमित शाह जी का बड़ा अच्छा लेक्चर मैं सुन रहा था बैठ करके, अगर अहिंसा से ही हमारी अंग्रेज यहाँ से छोड़ के भागे थे तो रजाकार किस खेत की मूली थी? तो रजाकारों में क्यों नहीं आपने अहिंसा लगाई आप लोगों ने? अगर आपने अहिंसा से अंग्रेजों को भगा दिया तो पाकिस्तान किस खेत की मूली थी? 1947 में क्यों आपने फौज वहाँ भेजी? आपने दूसरी कंट्री छोड़ी, अपनी कंट्री में हर जगह तो आप फौज भेजते हो। तो वो जो बातें आप पब्लिक को सिखाते हो कि ये रास्ता चलना चाहिए अहिंसा का, आप खुद फॉलो कीजिए। अब जब गांधी जी बोल गए कि आर्मी फौज की जरूरत नहीं है, और कई लोग बोलते फौज को डिसबैंड कर दो, तो करिए, किसने रोका आप लोग को? हो सकता है नोबेल प्राइज़ मिल जाए आपको उस बात पर, जिसकी लेने की बड़ी इच्छा लोगों के दिलों में है कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। पंडित जी के ज़माने से पंडित जी को नहीं मिला, उनका नाम 11 बार गया था, महात्मा गांधी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो हम तो चाहते हैं खुल के डिबेट डिस्कशन हो, वो टाइम चला गया, ये 1990 का दर्शन नहीं है। अब आप दूरदर्शन में नहीं हो कि दूरदर्शन में आपको किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और यहीं की डपली बजेगी। अब तो खुला, ये भगवान भला करे, अमेरिकियों का इन्होंने ये वाईफाई ट्विटर व्यूटर्स फेसबुक सब बना दिया, अब जनता जो है खुल करके बोलती है। अब हमें किसी की दूरदर्शन या किसी सरकारी अखबार की जरूरत नहीं है अपनी बात को बोलने के लिए, वो जमाना चले गए। आप जनता को समझा के दिखा दें कि अहिंसा का अगर रास्ता इतना ही अच्छा था तो आपने क्यों आपने फौज भेजी भैया हैदराबाद के अंदर? अगर वही रास्ता है तो आप उसको दिखाओ करके। मैं तो आपको कितनी बार कहा, कितने मैंने टीम में कहा कि अब ये जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा नोबेल पीस प्राइज देने का? आप जाइए जाके शांति सेना भेज के सेटलमेंट कीजिए सर वहाँ पे जाकर के। अब अगर इतना बड़ा अंपायर आपने भगा दिया अहिंसा से, तो फिर चाइना किस क्या चीज़ है? छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो 2 सेकंड में सेटलमेंट कर दो। हमारे देश में अहिंसा के पुजारी की कमी थोड़ा कोई, सारे के सारे बीजेपी और कांग्रेस के लोग आजकल अहिंसा के पुजारी बने हुए। ये जो खुल्लम खुला इतने लीडर होके आप ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कई सारे लोगों का नींद आप खराब किए होंगे। नहीं, ऐसा होता है कि जितनी जनता की
जनता के पीछे सपोर्ट है, लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे जो भी है, ठीक है, इलेक्शन हम नहीं लड़ते लेकिन जनता सपोर्ट करती है ना हमारे को, लोगों का सपोर्ट नहीं सपोर्ट करती है, मेरे सपोर्ट है, मेरा सपोर्ट दुनिया भर के अंदर है, मेरा सपोर्ट सिर्फ यहाँ नहीं है, सब दुनिया भर में सपोर्ट मिलती है मेरे को, सारी दुनिया में लेक्चर दिए, सब लोग सपोर्ट करता है, सिर्फ ये नहीं है, तो ये ना समझें कि ये मेरी आवाज़ है, पीछे बहुत लोग खड़े हैं, तो अगर धमकी देंगे तो फिर हमारा भी, हमारे भी, हम भी कोई अहिंसा के पुजारी नहीं है, हमारे भी पीछे बहुत सपोर्ट सिस्टम है, हम लोग दुनिया भर में आवाज़ देने के काबिल हैं लोग, तो वो इतना आसान नहीं है, वो टाइम चला गया, वो धमकियाँ देने का टाइम था ना, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे था वो, अब वो धमकियाँ देना, लोगों को अड़काना, ये करना वो करना इतना आसान नहीं है, उल्टा पड़ जाएगा लोगों के ऊपर, क्योंकि इनको मालूम होना चाहिए कि सुभाष बोस अनऑफिशियली ज़्यादा पॉपुलर हैं महात्मा गांधी से, जितना प्रोपेगंडा इन्होंने करा उसके बावजूद नेताजी ज़्यादा पॉपुलर हैं इस देश में, आप जो मर्जी पैसा खर्च करो, पानी की तरह प्रोपेगंडा करो, लोग सुभाष बोस की सच्चाई और ख़ासकर इस देश का ये यूथ है, यंग लड़का लड़की, वो पहचानता है, तो इसलिए ऐसा निडर की बात ही मैं सच बोल रहा हूँ, और कई लोग जो दूसरे पाले में, जैसे आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के लोग भी प्राइवेटली, देखो सारे लोग देश का दुश्मन कोई भी नहीं है, सब लोग जितने नेता वेता जितने सब लोग ज़्यादातर लोग देश के समर्थक ही हैं, प्राइवेटली वो एग्री करते हैं बातों से, इवन कांग्रेस के लोग एडमिट करते हैं प्राइवेटली कि आप जो कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो, मैं वही आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अहिंसा में इतनी क्षमता, तो हमारे को फौज की जरूरत क्या है हमारे को, पर तो जरूरत नहीं है, तो हमें सारा इतना बड़ा फौज की जरूरत नहीं है, तो सीधा अहिंसा से हमारा काम हो जाएगा। तो मतलब आपके सपोर्टर ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब आने वाले समय में और भी कोई किताब, नहीं हम लोग अपना, हम लोग हमारा मुहिम चल रहा है आज से, यहाँ पर लेक्चर करना, ये करना वो करना, अभी और भी कोई किताब भी आ रहा है अभी, किताब का अभी कुछ नहीं, अभी तो ये हम लोग और काम कर रहे हैं, अभी तो मेरे दोस्त चंद्रचूर घोष ने नेताजी का वो बायोग्राफी लिखा है पेंगविन का, बहुत अच्छा चल रहा है करके, तो अभी आगे चलता जाएगा, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, तो हमारे एफर्ट्स में अलग अलग चीज़ें, तो कई चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं, एक फिल्म अभी गुमनामी फिल्म आई थी, दुर्भाग्य से हम लोग चाहते थे उसका उड़िया वर्जन भी आया लेकिन वो हो नहीं पाया, लेकिन अभी चारों की और अगर, क्योंकि इसको लेके इंटरेस्ट है, हम चाहेंगे कि फिल्में बने, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया इसको लेकर के, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि अनुपम खेर भी थोड़ा सा इंक्वायरी कर रहे थे इस केस के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में कभी कुछ होना चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, क्योंकि टॉपिक अच्छा, आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, हमारी सारी फिल्में हमारी जो हैं वो क्या नाम है, देशभक्ति की फिल्में बन रही हैं, हिस्टोरिकल पे बन रही, तो आई थिंक कोई फिल्म प्रोड्यूसर बिल्कुल, नेताजी डेथ मिस्ट्री जो इतना लोग मशहूर है, इतना ज़्यादा जबरदस्त है, फिल्में बनी चाहिए, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं, आज तो कल में दो तीन फिल्में बनाई और वेब सीरीज बने, उसका रिस्पॉन्स भी काफी रिस्पॉन्स अच्छा है, वो छोटे स्केल पे था, आपको बड़े स्केल पे वो बना के, बड़े स्केल पे बनाया, बड़े स्केल पे करें, बिल्कुल आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया, और सिस्टम पूरा वो है ना कि हम लोग बार बार इस बात को याद रखिए, ये आप मेरा जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है ये 1995 में नहीं हो रही है, ये वो टाइम चला गया कि उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना पड़ेगा अमरीकियों को, कि अमरीकियों ने आपका ये कंप्यूटर बना दिए, आपके वाईफाई बना दिए, आपके फेसबुक बना दिया, ट्विटर बना दिया, आपके मोबाइल फ़ोन बना दिए, इसकी वजह से आप हम लोग खुल करके दुनिया में जहाँ भी हो बातचीत कर सकते हैं, अगर ये चीज़ ना हो तो ये सारे गांधी भक्तों ने दूरदर्शन में आपको बोलने का मौका था, आपको नहीं ये लोग देते थे, सेंसरशिप तो यहाँ पे आप बोल ही सकते नहीं है, उनकी बात बोलेंगे आपको काट देंगे, आपको दिखाएंगे नहीं आप लोगों को, अब ये सारा का सारा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ इनके हिसाब से ये है कि सारा का सारा सिस्टम अमेरिका में ही, भारत में ही नहीं, इनके अगर हाथ में होगा तो ये सेंसरशिप कर देंगे, आपकी यही बात कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है और कुछ लोगों को चुपता है, नहीं कोई नहीं चुपता किसी को, ज़्यादातर लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो चाहते हैं कि पुरानी बात है, इसको सेटलमेंट हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया के मैं टाइमलाइन आपको फॉलो कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे मैंने देखा कि भगवान जी के बहुत बढ़िया पोस्टर था, जो आर्ट बनाई गई थी, डिजिटल आर्ट, नहीं वो बड़ी अच्छी बात है, मेरे दोस्त ने बनाई है, सौरभ के भांजा ने बहुत अच्छी बनाई है, बड़े साल से मेरा दोस्त है वो, उसने वो आप दिखा सकते हैं उस आर्ट को, तो उसने काफ़ी मेहनत करके बहुत हाई लेवल का वो आर्टिस्ट है, तो उसने पूरा टाइम मैगजीन में नेताजी की फ़ोटो लेकर के धीरे धीरे उसमें रिंकल्स लाए और बहुत हाई लेवल का बनाया, तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है उनकी, मतलब कल को हम चाहेंगे कि जब भी, क्योंकि भगवान जी का कोई फोटोग्राफ नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे अगर उनको कोई याद करे कि कैसे थे, तो आपको एक फोटोग्राफ दिखाने कौन चाहिए, तो शायद ही काफ़ी अच्छी अपने में हमको दिखाने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, तो ये देखिए लोगों में इंटरेस्ट है, हर जगह यहाँ के लोगों में इंटरेस्ट है, हर जगह इंटरेस्ट है, हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि अगले लेवल पे हम लोग पहुँच जाएँ, ताकि अंत में बस एक ही सवाल, उड़ीसा के जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? कोई संदेश है वही है कि ट्विटर फेसबुक फॉलो करो और रीट्वीट करो, फेसबुक की पोस्ट शेयर करो, लोगों से बोलो इस केस के बारे में, एक ऐसा माहौल बनना चाहिए देश में कि हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी कहीं नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स ने मिलकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, कांशीराम जी ने माहौल क्रिएट किया, आडवाणी जी ने स्टार्ट किया, फिर मोदी जी ने करा, कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को और सरदार पटेल को जो उनका स्थान मिलना चाहिए वो मिलता है, उनको उनकी रिस्पेक्ट होती है इस देश में, जो कि पहले नहीं थी हमारे टाइम जब हम छोटे थे करके,
तो उन्होंने उनको उन दोनों को जो हमारे देश के बड़े आइकन हैं उनको पॉलिटिकली रेलेवेंट करवा दिया। हम लोग चाहते हैं कि नेताजी को भी पॉलिटिकली रेलेवेंट करवा दिया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक ही चीज़ मैटर करती है, वोट। अगर जहाँ नेताओं को लगेगा कि नेताजी का नाम लेंगे तो वोट मिलेंगे, और अगर नाम नहीं लेंगे तो वोट कटेंगे, जिस दिन हम लोगों ने ये मैसेज कन्वे कर दिया, ये सारी फाइलें खुल जाएंगी। वो इससे अच्छा कि ये मैंने कहा तीन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा जहाँ पे नेताजी जन्म हुआ था, बंगाल जहाँ वहाँ बड़े हुए थे वो जहाँ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तीसरा है कि उत्तर प्रदेश जहाँ वो 30 साल रहेगा। अगर ये तीन स्टेट में अगर हमारा एक हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दिया तो जो हमने दो आपको मुद्दे बताए वो सेटलमेंट हो जाएगा उसका। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल की ओर से और समस्त उड़ीसा वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे श्री अनुज धर जी को। एक छोटा सा काम है, शुरू शुरू में जब हम करते हैं तो पता कहते हैं यार ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मन में अगर संकल्प शक्ति हो, पवित्रता के भाव हो, आपके उद्देश्य बड़ा हो और समाज के हित में हो, तो अंत में जीत तो होती है। भले ही आज आपकी शक्ति कम है, आज कम है तो कल अधिक होगा, और अधिक कैसे होगा, इसी तरह छोटे से काम करते करते किसी बड़ी काम की तैयारी आप करेंगे, जैसे आज अनुजधर सर ने कर रहे हैं। तो आज आप उनके मिशन के साथ जुड़िए, इस मुहिम को गति दीजिए। अगर आज आप इस मिशन के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आने वाला कल आपके ऊपर सवाल करेगा और आप इस सवाल से वंचित नहीं रह सकते। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आपका ये एपिसोड, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं, जय हिंद।